उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक ऐसी जगह जहाँ पर कई प्रकार के मिश्रण से तैयार की जाती स्पेशल कचौड़ी, जिसके खाने के लिए यहाँ पर सुबह से लगने लगती है भीड़। जिस तरीके से अनेकों प्रकार के मसालों से यह खस्ता कचौड़ी तैयार की जाती है, यह काफ़ी प्रसिद्ध भी मानी जाती है। शाहजहाँपुर, बरेली, कन्नौज के यहाँ पर दूर दूर से लोग कचौड़ी खाने के लिए लोग पहुँचते नज़र आते हैं। जिस तरीके से इसका स्वाद बेमिसाल है, तो आसपास में भी इसकी अच्छी खासी पहचान है। स्कूली बच्चे हों या फिर राहगीर या फिर दूसरी जगह से आने वाले लोग, एक बार अगर इधर से निकलते हैं तो इसका स्वाद लेकर ही जाते हैं। जिस तरीके से तैयारी होती है, देखिए क्या कुछ कहते हैं लोग। विष्णु गुप्ता, ये जो यहाँ पे कचौड़ी की दुकान है, क्या खास रहता है यहाँ पे? ये इनकी सब्जी बढ़िया है और मसाले वसाले बढ़िया डालते हैं, तो यहाँ पे काफी इंतजार करना पड़ता है, भीड़ लगी रहती है। इनके कचौड़ी है, सूखी सब्जी, सलाद है, मिर्ची है, और सब्जी में मटर है, पनीर है, आलू है, काफी चीजें खाने को मिलती हैं। बहुत चीजें खाने को मिलती हैं और बढ़िया चीज मिलती है। बीस की चार है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लाइन लगी रहती है। हम तो बहुत टाइम हो गया हमें। हाँ हाँ, इनकी 5 सालों से है। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? अशोक नगर। ये किस चीज़ की दुकान है यहाँ पे? एक कचौड़ी की अटली है। क्या खास रहता है यहाँ पे कचौड़ी? कचौड़ी में अबे सब्जी कचौड़ी, जिले भर में काफी दुकान है कचौड़ी की, आपके यहाँ पे भीड़ लगती है, किस तरीके स्वाद रहता है? भाई स्वाद ग्राहकने के पसंद, भाई स्वाद हम तो अपने दिल से बनाओ, दिल से बेचा। जो सब डाल दो भाई, हम डाल दो। जो भोलेनाथ कृपा है। कितने साल से दुकान है? 25 साल हो गए। तो इसी तरीके से भीड़? हाँ इसी तरीके। कहाँ पे दुकान है? अशोक नगर थाने के पास। क्या-क्या रहता? पनीर और मटर पनीर की सब्जी और खस्ता कचौड़े। तो लगातार भीड़ रहती है? हाँ लगातार 12 बजे तक। मसाला वो हल्दी मिर्चा जो सब डालते वो हम डालते हैं। स्वाद अलग है, स्वाद पता नहीं भोलेनाथ कृपा कहाँ से आता है। इसी तरीके से भीड़ है? हाँ इसी तरीके से भीड़ लगती है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लोकल 18 के लिए सत्यम कटियार की रिपोर्ट।